हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, तो मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूं। देश की कंडीशन बिल्कुल खराब है, डेली क्लास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इवन 3.5 लाख से ऊपर के केसेस आ रहे हैं डेली। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, ये कब थमेगा किसी को नहीं पता। इसके बीच आप सब लोग जो क्लास 12th में है बच्चे, उन सबके बहुत सारे डाउट्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड और आगे क्लास को क्या करना चाहते हैं, उनको अब क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, मे बी क्लास आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले और काफी कुछ आपको सीखने को मिले इस छोटी सी वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, जो बच्चों का क्वेश्चन है, देखो मैं जो भी चीज बोल रहा हूं क्लास, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगता है कि क्लास ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूं। बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे, क्लास 12th के बच्चे जब क्लास पास होते हैं तो वो कॉलेजेस में जाते हैं और उनके अंदर सीटें कम होती है कॉलेज के अंदर, तो अच्छे अच्छे कॉलेज जो हैं क्लास, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो क्लास, वो कुछ देख दाग के बच्चों के अंदर उनकी एबिलिटी को क्वालिटी को देख के एडमिशन लेते हैं। ऐसा सीबीएसई का कहना है, जिसकी वजह से सीबीएसई कहती है कि हम पेपर तो कंडक्ट करेंगे, 1 जुलाई तक क्लास ये लोग क्या करेंगे, सॉरी 1 जून को ये लोग डेट अनाउंस करेंगे कि ये एग्जैक्टली कब लेने वाले हैं। मुझे लगता है पोस्टपोन नहीं होगा, पेपर होगा कि नहीं को बोलूं तो अभी अगर हम बात करें क्लास की, वैक्सीनेशन भी बच्चों का होने वाला है और कई सारे टीचर डिमांड कर रहे हैं, कई सारे बच्चे लेटर भी लिख रहे हैं क्लास पीएम को कि पेपर कैंसिल कराया जाए इंटरनल बेसिस पे या फिर क्लास किसी और भी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है वो बच्चों को नंबर दिए जाए। बट मुझे सीबीएसई का रवैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल करेगा। तो जो बच्चे इस वहम में है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, फ्री में मार्क्स मिलेंगे, देखो फ्री में तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, इवैल्यूएशन तो ये करेंगे ही करेंगे, तो आप ध्यान रखना पेपर की तैयारी कर लो बेटा, पेपर होगा आपका, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। अगर हाँ आपके घर में सब कुछ ठीक है, खुदा का क्लास भगवान का जो है मेहर है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो प्लीज यार अपनी प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि करियर हम आगे क्या करें, सर हम सीए की कोचिंग ले लें, सीएस की, सीएमए की, यूपीएससी की या एंट्रेंस की। देखो घर वालों का पैसा लगा देना बड़ा ही आसान है, कोई भी करियर अगर आपको चूज करना ना, 15 दिन उसकी पढ़ाई बिना कोई कोचिंग लिए सेल्फ स्टडी से करके देखो। वो जमाना गया बेटा जहां पे 12th के बाद बच्चों की पढ़ाई होती थी, अब 12th तक जो आपने पढ़ाया वो इनफ है, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं कराएगा आपकी, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कोई नहीं पूछेगा आप आए नहीं आए, होमवर्क किया नहीं किया, पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछेगा। आपका करियर है, आपके हाथ में है, आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो सीए हो। सीए में भी कुछ टॉपिक बहुत सारे, इवन क्लास एनपीओ है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कॉमन है, भैया बुक उठाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ अगर आप करना चाहते हो, उसके बाद देखो उसके अंदर क्या क्या है। कई बच्चे बोलते हैं सबसे अच्छा कौन सा है, भाई सबसे अच्छा जो है हम वही कर लेंगे, हर कोई आईएएस बन जाएगा, हर कोई आईपीएस बन जाएगा, हर कोई सीए बन जाएगा, तो भाई ऐसे नहीं होता है कि जो सबसे अच्छा है। शुरू का आपके अंदर जोश है कि हाँ मुझे वो करना है, आपने देखा बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा ओहदा है, मुझे वो करना है, घुस जाते हो आप, लेकिन 10-15 दिन 20 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट डाउन होगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज कहीं भी पैसा लगाने से पहले सेल्फ स्टडी करो, एंट्रेंस के पीछे अभी अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करो। कहीं भी आपको क्लास बच्चे पुस्तक कहां बताओ, कहीं कहीं आप बताओ, कोचिंग बता दो, भैया कोचिंग बहुत है, पैसा खर्च करना हो जहां मर्जी वहां कर लो, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी करो। आपका जीके है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूज़पेपर की आपकी हैबिट डालो पढ़ने का, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, पैसेज बनाओ, यूट्यूब पे सब चीज जब फ्री में अवेलेबल है तो क्यों क्लास आप यहां वहां अभी भाग रहे हो। 10-15 दिन देखो कि मैं, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 15 दिन देखो कि मैं वहां टिक पाता हूं कि नहीं, क्या पता 15 दिन के बाद आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो जो डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। सब भूलते चले जा रहे हैं सर क्या करें, माइंड में नेगेटिविटी आ रही है। देखो सबसे पहली बात, अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो रही है, हल्का सा भी, तो प्लीज उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लो, उसका टाइट से बिल्कुल हर तरीके से, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो, चाहे क्लास मेंटल एक्सरसाइज हो, खाने पीने का ध्यान रख के अपने आपको जल्दी जल्दी ठीक कर लो। आप सबको पता है, इसके बारे में नहीं कहूंगा कुछ भी, आप सबको बेहतर पता होगा कि कैसे ठीक करना है, किन किन जो प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, क्या क्या क्लास आपको परहेज करना है, ये सब आपको पता है। हल्का से भी तबियत बिगड़ती है ना, चाहे आप घर वालों का हो, अपने घर वालों को भी सलाह दो, उनकी तबियत हल्की से बिगड़ती है तो शुरू से ही वेट मत करो आगे तक का, कोई रिपोर्ट कोई टेस्ट अगर नहीं भी करा रहे, घर बैठे बैठे आप प्रिकॉशंस लेकर, आप मान लो कि आपको कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ऐसे ठीक करो जैसे है आपको, तो
तो क्लास आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बस दिमाग में जो न्यूज देखते हो ना, यहाँ वहां जो टीवी वाले मीडिया वाले न्यूज दिखाते हैं, प्लीज न्यूज को देखना बंद करो। वो टीआरपी का खेल खेल रहे हैं, उन्हें पता है मुद्दा आ गया, इसको दिखाएंगे, जितना भयावह दिखाएंगे, जितना डरावना दिखाएंगे, लोग जो है उतना ज्यादा हमारे चैनल को देखेंगे और व्यूज उनके आएंगे, टीआरपी बढ़ेगी। तो इसलिए क्लास आप न्यूज मत देखो, अपना अपना सेफ्टी रखो। नॉलेज के लिए आप जरूर न्यूज पेपर देख सकते हो या कोई भी क्लास यूट्यूब पे उसकी वीडियो जो ऑथेंटिक है वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा पैनिक ना हो और आप सेफ रहो, अपने घर वालों को भी सेफ रखो। अभी क्या है, सुबह से लेकर रात तक फ्री हो आप, तर पढ़ाई कर लो, आप अपना जो भी अच्छा लगता है वो पढ़ो। अगर आपने ऐसा नहीं किया सब भूलते चले जाओगे। एटलीस्ट एक प्रैक्टिस पेपर बना लो, हर दो तीन तीन दिन के अंदर एक एक चैप्टर देख लो। अगर पेपर होगा तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और लगता भी है कि ऐसा होगा पेपर। अब वैक्सीनेशन हो जाएगा, टेंथ के बच्चे भी खत्म हो गए, कम हो गए बच्चे, पेपर देने से बच गए बच्चे, अब ट्वेल्थ के आप ही लोग बचे हो, पेपर तो ये लोग करा के रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अब पेपर की प्रिपरेशन करो क्लास। आप सब लोगों के लिए 15 डेज प्लेज लेके आया था, कितना कुछ किया मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। बहुत सारे टीचरों ने क्लास वीडियो डालना बंद कर दिया, उनको पता है कि बच्चे नहीं देख रहे। लेकिन क्लास मेरा मानना है कि अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो वीडियो कंटिन्यू होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लेज आ रहा है, 6 डेज प्लेज भी है, प्लीज जो है वीडियो को देखो। अगर आपके जूनियर्स हैं तो उन तक शेयर करो, वो भी देख सकते हैं। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत जारी रखो, ऐसा नहीं कह रहा कि पहले जितना दिन रात पढ़ो, ठीक है आप पूरा दिन रात नहीं पढ़ रहे, बट आप आधा एक घंटा जो है वो कम से कम हर 6 घंटे में, मतलब दिन में 3-4 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना ही है। जो सब्जेक्ट कमजोर थे उसे पढ़ दो, नॉलेज तो काम आएगा ही, आगे भी काम आएगा यार। जो बच्चा 12th के पेपर नहीं हो गया उसे आशा लाल रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं पता होगा तो क्या बीकॉम में क्लियर कर जाएगा, वो आगे क्लियर कर जाएगा? ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बस नॉलेज आप जो है पेपर नहीं हो रहा तो क्या ही पढ़े। बेटा पढ़ो मन लगा के, ये अपॉर्चुनिटी लो, पेपर नहीं हो रहा ऐसा भी नहीं है, पेपर होगा थोड़ा डिले हो गया है, देश की कंडीशन आपको पता ही है। प्लेज को फॉलो करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बनाओ, प्रैक्टिस पेपर दो दो तीन तीन दिन में सॉल्व करो, समझ रहे हो बात को? और सबसे अच्छी बात क्या, नेगेटिविटी मन में लेके मत आओ, नेगेटिविटी मत लेके आओ। आप अगर आगे कुछ करना चाहते हो जो भी चीज में है उसके बारे में स्टडी करो, कॉपी पेन लेके लिखो उसका गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और कौन कौन लोग कर रहे हैं, क्या क्या सैलरी प्रोस्पेक्टस है, और 15 दिन अपने आप पढ़ के देखो क्या 15 दिन टिक पाते हो। ऐसा नहीं कोचिंग में लगा दिया, अब यूपीएससी की कोचिंग में 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिया आपने, अब लगा दिए घर वालों को, घर वाले बेचारे लगाएंगे पैसा कैसे, बच्चे बच्चों से ही हारते हैं घर वाले, किसी तरह से पैसा लगा देंगे आपके, और फिर आप क्या करोगे 15-20 दिन बाद अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे। सो प्लीज 15 दिन अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, आगे कुछ भी होता है कोई भी नॉलेज मेरे को आती तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। बाकी करियर को लेकर चलो, बोर्ड एग्जामिनेशन को साथ साथ लेके चलो, बट प्लीज प्रिपरेशन कर लो, थोड़ी बहुत सही प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो बस यही मेरा मैसेज था आप सबके लिए, आई होप क्लास कुछ आपको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे, और अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करोगे, दिन रात बैठ के टीवी और फोन में लगे रहने से बेहतर है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो। आई होप दिन भर गेम खेलना, फोन में लगे रहना, यूट्यूब देखना दिन भर आप करते रहते हो यार, ये चीज ठीक नहीं है मेंटल और फिजिकल के लिए इस टाइम पे। सो प्लीज अपनी प्रिपरेशन करो, थोड़ी बहुत पढ़ो, सुबह उठ के 1 घंटा लर्न करो। मान लो बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाला है, होगा ही, तो आप उसके लिए पहले से पूरा स्ट्रांग रहो, और कल को एंट्रेंस होता है तो उसमें भी यही चीजें पूछी जाएंगी। और अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होगा क्लास तो एंट्रेंस के ऊपर बहुत जोर होगा, तो आपको यही सब चीज पूछी जाएंगी, सो आप उसके लिए पहले से तैयार रहो, रेडी रहो, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बी सेफ, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना, पैनिक नहीं होना है और खुद पे भरोसा रखना है क्लास, भगवान पे भरोसा रखना है। टेक केयर, बाय बाय क्लास, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, कोई भी सीबीएसई की अपडेट आती है, अपनी प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा हूं, और जो आगे बच्चे 2022 के लिए बच्चे हैं उनकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, शुरू से लेकर एंड तक आपका पूरा का पूरा सहयोग मेरे साथ है, तो मेरा भी पूरा सहयोग आपके साथ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।